Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Assalamu alaikum nazreen, aap sabka istiqbal e 18 Telangana news ke khas khabarname par. Aaj 31 October Sunday yani itwar ka din hai. Aaye nazreen dekhte hain aaj ka khas khabarnama. हुजराबाद बाई पोल से बड़ी खबर सामने आ रही है. हुजराबाद बाई इलेक्शन के एग्जिट पोल के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जा रहा है बीजेपी जीतने का अंदेशा है, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोट्स बीजेपी ने हासिल किए और अंदाज़ा लगाया जा रहा है टीआरएस को 43% वोट्स मिले हैं और कांग्रेस को सिर्फ 5% वोट्स मिले होंगे और दिगर पार्टीज को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 0.7% वोट्स मिले होंगे. टीआरएस का कहना है एग्जिट पोल बकवास बता रहा है कि हुजराबाद में बीजेपी की जीत होना नामुमकिन है. टीआरएस ने कहा कि मुकम्मल मेजॉरिटी के साथ हुजराबाद को जीतेंगे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी. शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रोज़ाना केसेस दर्ज हो रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के बावजूद. देखा जा रहा है मर्दों को सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस मुतासर कर रहा है और ख़वातीन कम मुतासर हो रही हैं कोरोना वायरस से. डॉक्टर्स ने सलाह देते हुए कहा कि मर्द होशियार रहना चाहिए कोरोना वायरस के ख़िलाफ़. घर के बाहर निकलने से पहले तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का लाजमी इस्तेमाल करना होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया भर में गवर्नमेंट और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि 99% केसेस वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना वायरस का शिकार बन रहे हैं. वैक्सीन लेने के बावजूद 70% मर्द कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए. अब मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को भी कोरोना वायरस मुतासर कर रहा है. ये लोग वायरस दूसरों को फैलाने का डर होता है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुम्मे के दिन 4 हफ्ते का वक्त दिए हैं तेलंगाना रियासती हुकूमत को और कहा कि पिटीशन के ताल्लुक से समझाया जाए जो एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लीडर विजया शांति की जानिब से सवाल उठाए गए हैं. तेलंगाना रियासती हुकूमत के पॉलिसी और हाल ही में हुकूमत की जानिब से ज़मीन का ऑक्शन किया गया था, उस ताल्लुक से जवाब चाहिए तेलंगाना हाई कोर्ट को. अब तेलंगाना हुकूमत को स्टेट पॉलिसी और ऑक्शन गवर्नमेंट लैंड के मुताल्लुक तफसलात बताने के लिए 4 हफ्ते दिए गए हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतवार के दिन स्केड्यूल रिलीज करते हुए कहा कि बाइनियल इलेक्शंस जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं एमएलएस कोटा के तहत नवंबर 29 को मुनक्किद होने वाले हैं. बताया जा रहा है ये इलेक्शन इससे पहले मई के महीने में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 6 मेंबर्स तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो एमएलसी बने हुए हैं उनका वक्त जून 3 तारीख को ही ख़त्म हो गया था. मुकम्मल तौर पर मई 31 को ही ख़त्म हो गया था वक्त एमएलसी रहने का और 3 मेंबर्स आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनका भी वक्त 3 जून को ही ख़त्म हो गया था. तेलंगाना से जो 6 MLCs है जिनका वक्त जून 3 को ख़त्म हुआ था वो तमाम MLCs तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS पार्टी के मेंबर्स थे. नामपली कोर्ट ने मोहम्मद उस्मान इकराम को जो पाकिस्तानी शहरी है उसे मुजरिम करार दिया, क्योंकि मोहम्मद उस्मान इकराम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से इंडिया दाखिल हुआ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पासपोर्ट और साइबर क्राइम के जरिए. मोहम्मद उस्मान इकराम को 5 साल की जेल हुई है और 2000 रुपये जुर्माना भरने कहा गया. वाज़रहे नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान इकराम हैदराबाद पर रह रहा था. कोर्ट ने साथ ही मुंबई के रहने वाले नीतीश कुमार मोले को मुजरिम करार दिया और उसे 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई, साथ ही 15,000 रुपये जुर्माना भरने कहा गया. एक पाकिस्तानी शहरी को मदद करने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए इंडिया हैदराबाद में दाखिल होने मदद करने के लिए नीतीश को मुजरिम करार दिया गया. शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है. आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है. ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है. बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है. 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है. मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या
9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।